राम ने किया मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण। मुख्यमंत्री ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की वेबसाइट का लोकार्पण। गेहूं खरीदी जारी रहेगी, मुख्यमंत्री चौहान ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और प्रदेश में 5 लाख से अधिक ऊर्जा देय वाले भवनों का अंकेक्षण अनिवार्य। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपा। बढ़ते खबरों की ओर, मुख्य सचिव आर परशुराम ने आज पदभार ग्रहण किया है। नए मुख्य सचिव द्वारा पदभार ग्रहण करने के अवसर पर प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन कार्मिक विजय श्रीवास्तव डीके सामंतरे मौजूद थे। मुख्य सचिव को मंत्रालय में अनेक अधिकारियों कर्मचारियों ने नया दायित्व ग्रहण करने पर बधाइयां दी हैं। परशुराम ने पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के कमिश्नर कलेक्टर से गेहूं उपार्जन अभियान की जानकारियां प्राप्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य शासन द्वारा आयोजित किए जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर केंद्रित वेबसाइट का लोकार्पण किया है। वेबसाइट में मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस मौके पर मुख्य सचिव आर परशुराम, अपर मुख्य सचिव पीके दास और ट्राइफेक के प्रबंध संचालक प्रमोद कुमार दास भी मौजूद थे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े, आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के अंतर्गत किसानों का एक एक दाना गेहूं खरीदा जाएगा। किसी भी दुष्प्रचार से विचलित हुए बगैर धैर्य बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसान बिचौलियों से बचें। जो किसान पंजीयन से रह गए थे, आज से लेकर 3 मई तक पंजीयन कर उनका भी गेहूं खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टर और कमिश्नर को संबोधित कर रहे थे। ऊर्जा बचत और दक्षता के लिए कुल 5 लाख से अधिक वार्षिक ऊर्जा देयक वाले शासकीय अर्धशासकीय भवनों का ऊर्जा अंकेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ऊर्जा अंकेक्षण करने वाली 66 संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। प्रदेश में पुलिस विभाग की साइबर क्राइम सेल को संपूर्ण ग्रीन भवन बनाया जा रहा है। राज्य की ये पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की त्रैमासिक समीक्षा में ये जानकारी दी गई। फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े, आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में हर पंचायत में पशुपालक संघ गठित किए जाएंगे और पशुओं की देशी नस्लों को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। गोपाल पुरस्कार योजना का विस्तार ग्राम स्तर तक किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई है। बैठक में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री अजय विश्नोई और मुख्य सचिव आर परशुराम भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश ई पेमेंट में देश में सबसे आगे है। प्रदेश में ट्रेजरी के माध्यम से ई पेमेंट का प्रतिशत 84 है। भारत सरकार ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए अन्य राज्यों के लिए मध्य प्रदेश की ई पेमेंट व्यवस्था को अनुकरणीय बताया है। ये जानकारी आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई वित्त विभाग की समीक्षा में दी गई। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।